देखिए अभी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है, तो हम लोग सब जानते हैं कि एक्सेलरेशन जो होता है वो एक्सेलरेशन होता है फोर्स अपॉन मास। एक्सेलरेशन क्या होता है? वो होता है फोर्स अपॉन मास, सही है। तो यहां पे तो एक्सेलरेशन इज फोर्स अपॉन मास, ठीक है। तो अभी हम लोगों ने यहां लिखा है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, करेक्ट, ड्यू टू ग्रेविटी। तो हमें पहले फोर्स कंसीडर करना होगा, ग्रेविटेशनल फोर्स, और तब उसकी वजह से होने वाला एक्सेलरेशन। जैसे ये मार्कर है, तो अभी इस पे एक ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है जी। एम वन क्या होगा? मास ऑफ द अर्थ, और दूसरा एम होगा इसका जी एम कैपिटल एम स्मॉल एम बाई आर स्क्वायर। तो ये हो गया फोर्स डिवाइड बाई मास, ये क्या देगा आपको? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी देगा। तो यहाँ पे ये कंसिडर कर लो कि ये अर्थ है, ठीक है, इस अर्थ, और अर्थ का जो रेडियस है यहाँ पे वो है आर, सही है। तो ये जो रेडियस है ये आर है, और यहां से एक एच हाइट ऊपर, यहां से एक एच हाइट ऊपर एक मास कंसिडर कर लो, ठीक है, ओके। तो ये हमने कंसिडर कर लिया। तो ये जो टोटल डिस्टेंस है इसका अर्थ के सेंटर से वो क्या होगा? वो होगा आर प्लस एच, समझ में आ गया आपको। और ये जो पार्टिकल फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा होगा वो फोर्स होगा जी एल एम बाय आर स्क्वायर, ठीक है। तो जी एम वन एम टू बाय आर स्क्वायर होगा, समझ में आ गया। तो अभी जो एक्सेलरेशन होगा इस पार्टिकल का, ये पार्टिकल का एक्सेलरेशन होगा टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ, क्योंकि जो फोर्स उस पर लग रहा है वो फोर्स भी किधर डायरेक्टेड है? वो फोर्स भी अर्थ के सेंटर की तरफ डायरेक्टेड है, सही है। तो उसका जो एक्सेलरेशन होगा वो भी ऐसे नीचे की तरफ होगा, हमेशा ऊपर तो भी जाएगा नहीं, राइट। तो वो एक्सेलरेशन होगा फोर्स अपॉन मास। तो आप देख सकते हैं कि ये फॉर्मूला आ जाएगा जी एम बाई आर स्क्वायर। तो हम लोगों ने इससे पहले भी ये फॉर्मूला देखा है, जब हम लोगों ने फील्ड निकाला था एक पॉइंट मास की वजह से, तो एक पॉइंट मास की वजह से जो फील्ड आया था वो भी कितना आया था? जी एम बाई आर स्क्वायर आया था। और आपको याद होगा कि ये फील्ड भी हमने इसी फॉर्मूले से निकाला था, फोर्स अपॉन मास। हमने फील्ड को कैसे डिफाइन किया था? फोर्स पर यूनिट मास। लेकिन हमने फॉर्मूला भी सेम यूज किया, रिजल्ट भी सेम आया, लेकिन दोनों का जो फिजिकल सिग्निफिकेंस है वो अलग है। एक्सेलरेशन जो है इसका यूनिट क्या है? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये एक अलग फिजिकल क्वांटिटी है, राइट, ये हमें देता है एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल। और ये जो है ये अलग क्वांटिटी है, ये एक्सेलरेशन किसका है? ये एक्सेलरेशन इस मास का है, सही है। लेकिन यह फील्ड किसका है? यह फील्ड इस मास का है। देखो ये दोनों अलग चीजें, फॉर्मूला सेम है, रिजल्ट सेम है, लेकिन अंडरस्टैंडिंग बिल्कुल अलग है। ये जो आप यहां से जो आप निकाल रहे हो एक्सेलरेशन, और वही फॉर्मूला आ रहा है, ये एक्सेलरेशन उस पॉइंट मास का है, ये एक्सेलरेशन उस पॉइंट मास का है, सही है, अर्थ की तरफ। लेकिन ये जो फील्ड आएगा यहां से, ये जी एम कैपिटल एम बाई आर स्क्वायर आएगा, ये फील्ड अर्थ के वजह से है, कहां पे? उस पॉइंट पे। तो वो बात हो रही है ग्रेविटेशनल फील्ड की, ठीक है, ये पॉइंट समझ में आ गया आपको। अब आप देखो, तो मुझे यहां से एक फॉर्मूला मिल गया है कि अगर मुझे एक्सेलरेशन निकालना है तो उसका फॉर्मूला होगा जी एम बाई आर स्क्वायर, ठीक है। अभी एट द सरफेस ऑफ द अर्थ, तो एट द सरफेस ऑफ द अर्थ जो डिस्टेंस होगा, यानी जो ये आर होगा, वो आर इक्वल टू क्या होगा? कैपिटल आर होगा। तो आपको जी कितना मिलेगा? ये आपको मिलेगा जी एम बाई कैपिटल आर स्क्वायर। तो इसको हम लोग इक्वेशन वन कह देते हैं। जब इसका कैलकुलेशन किया जाता है तो ये निकल के आता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इसमें जब आप जी का वैल्यू पुट करोगे और अर्थ का मास पुट करोगे 5.4 इंटू 10 रेज टू 24, और रेडियस पुट कर दोगे 6.4 इंटू 10 रेज टू 6 मीटर या 10 रेज टू 3 किलोमीटर, कन्वर्ट करेंगे तो 10 रेज टू 6 मीटर। तो वो सब पुट करने के बाद ये आता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी अर्थ के सरफेस पे या अर्थ के सरफेस के पास, जैसे मैंने ये मार्कर अगर ड्रॉप किया नीचे, इसका जो एक्सेलरेशन होगा वो 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होगा। लेकिन जैसे अगर मैं इस मार्कर को बहुत दूर लेके जाऊंगा अर्थ से, तो इसका एक्सेलरेशन कुछ और होगा। देखिए तो अभी यहां पे अर्थ के सरफेस और एक हाइट एच पे हम डिस्कस कर रहे हैं, तो एट अ हाइट एच, तो एट अ हाइट एच आप देखोगे तो जी कितना आएगा, वो उसको हम जी एच कह देते हैं। तो उसको हम लोग जी एच से हम लोग उसको रिप्रेजेंट करते हैं, नोटेशन भी जी एच।
तो वो जी एच कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा जी एम बाई स्मॉल आर स्क्वायर, और स्मॉल आर की जगह हम लोग क्या डालेंगे बच्चों, आर प्लस एच डालेंगे, वेरी गुड। तो ये हो जाएगा आर प्लस एच का स्क्वायर, इसको हम कह देते हैं इक्वेशन नंबर टू कह देते हैं। अब अगर हम लोगों ने टू को वन से डिवाइड किया, यानी इक्वेशन नंबर टू डिवाइडेड बाई इक्वेशन नंबर वन, तो हमें मिल जाएगा जी एच डिवाइडेड बाई जी, जी एच डिवाइडेड बाई जी इज इक्वल टू, तो ये जी एम जी एम कैंसिल हो जाएगा और ये हो जाएगा आर स्क्वेयर बाई आर प्लस एच का होल स्क्वेयर। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आ गया, ठीक है, इसको बोल दो इक्वेशन नंबर थ्री। अब अगर आपसे पूछा जाएगा कि इफ एच इज इक्वल टू फाइव आर, ऐसा कुछ पूछ लिया, राइट, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ जी, देन फाइंड जी एच, फाइंड जी एच, तो आप बस ये फॉर्मूला यूज कर लो, यानी जी एच बाई जी इज इक्वल टू आर स्क्वायर बाई आर प्लस एच का होल स्क्वायर। इसको याद करना बहुत आसान है, यहां पे ऊपर आ जाता है तो यहां नीचे आ जाता है, ठीक है, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, वो आप ऐसे भी सोच सकते हैं क्योंकि जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर, तो जी के लिए आर स्क्वायर नीचे आएगा और जी एच के लिए आर प्लस एच कहाँ आएगा, ऊपर आएगा, ये तो हम सोच सकते हैं। तो अभी यहाँ पे बस मुझे क्या करना है, मुझे एच का वैल्यू पुट करना है, अभी एच कितना है, फाइव आर है, तो ये फाइव आर का होल स्क्वायर हो गया, तो फाइव आर प्लस आर कितना हो गया, थर्टी सिक्स आर स्क्वायर, ये कैंसिल होकर कितना आ गया बच्चों, वन बाई थर्टी सिक्स आ गया, करेक्ट। तो यहाँ पे आप देख लो कि जी एच बाई जी ये निकल कर आया वन बाई थर्टी सिक्स, तो यहाँ से आपको जी एच कितना मिला, जी बाई थर्टी सिक्स, अभी जी कितना था, नाइन पॉइंट एट था, यानी ये जी एच जो निकल कर आ गया, ये जी एच निकल के आ गया 9.8, यानी जी बाई 36 है कि नहीं, तो ये ऑलमोस्ट 0.25 के आसपास, आप समझ रहे 0.27 कुछ तो ये निकल के आ जाएगा, तो कुछ लोग कह रहे 27, तो लेट अस पुट इट 27। तो आप देखो उस हाइट पे, यानी अर्थ का रेडियस कितना है 6400 किलोमीटर, और आप इस हाइट से आप सर अर्थ के सरफेस से आप बहुत ऊपर जा रहे हैं, राइट, फाइव टाइम्स आर, मतलब ऑलमोस्ट 36,000 किलोमीटर, तो वहां पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बहुत कम है 0.27, यानी इसका स्पीड जो है बहुत धीरे धीरे बढ़ेगा, स्पीड बढ़ेगा लेकिन बहुत धीरे धीरे बढ़ेगा। अभी जो स्पीड बढ़ेगा इसका, वो कैसे बढ़ेगा, 9.8 मीटर पर सेकेंड से बढ़ेगा, है ना, अभी 9.8 फिर 19.6 फिर इस तरह बढ़ता जाएगा, लेकिन वहां पे उस पॉइंट पे उसका एक्सेलरेशन बहुत कम है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जैसे जैसे अर्थ से डिस्टेंस बढ़ता जाएगा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा, और इंफिनिटी पे जहाँ पे अर्थ का इन्फ्लुएंस क्या है ऑलमोस्ट जीरो, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी भी क्या हो जाएगा जीरो, यानी वहां पे वो पार्टिकल वापस अर्थ पे नहीं आएगा, उसको हम बोलते हैं वो स्केप कर जाएगा, जो हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं।